लूका 2:32 कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, प्रकाश मतलब द वर्ड इज कॉल्ड फॉस, यू नो फॉस से द वर्ड कम्स फॉस्परस, अन्य जातियों के लिए। अन्य जाति कौन है? हम सब अन्य जाति है, संसार में केवल 3 जाति है। नहीं पास्टर, मैं छोटा जाति से आता हूं, मनुष्य ने बनाया। संसार में केवल 3 जाति है, एक है यहूदी जाति, एक है अन्य जाति, और तीसरा जाति यहाँ पर हमें वो है विश्वासी जाति। हालेलुया। अन्य यहूदी जाति, अन्य जाति और विश्वासी जाति, जो हमने विश्वास किया उसको एक जाति है भाई प्रभु के सामने। तो उद्धार जो था केवल यहूदियों के लिए था। इवन यीशु मसीह भी बोला कि मुझे इज़राइल के बाहर भेजा नहीं गया। कई लोग उसको पकड़ लेते हैं, बोला कि नहीं बाहर के लिए नहीं है यीशु मसीह, यहूदियों के लिए नहीं। उस समय का बात वो बोल रहा है, एक चीज वो बोल रहा है जो पुराने नियम में हजारों साल पहले लिखा, वो बोल रहा है कि मुझे यू नो यरूशलेम के बाहर भेजा नहीं गया। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, उद्धार जो था वो यहूदी जातियों के लिए था केवल, लेकिन जब अन्य जाति आता आप पर हम उसमें आ जाते हैं। तो वहां पर अन्य जाति जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है पढ़ो उसको, प्रकाश देने के लिए ज्योति, अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति, ज्योति वहां सुनो, प्रकाश और ज्योति। अब हिंदी में देखेगा दोनों एक ही शब्द है, लेकिन यूनानी में देखेगा अलग अलग शब्द है। ज्योति प्रकाश जो शब्द है, ये प्रकाश जो है यूनानी शब्द है फॉस। उसके बाद अलग जो शब्द वहां पर आया ज्योति आया, नीचे देखो ज्योति, ज्योति ये शब्द फॉस नहीं है, ये शब्द है अपोकैलिप्सिस। अपो मींस से दूर, कैलिप्सिस मतलब पर्दा हट जाना, पर्दा हट जाना। यानी अन्य जाति का उद्धार जो था पुराना नियम में छुपा हुआ था, यीशु मसीह आकर अन्य जाति का उद्धार का जो पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा निकाल दिया, ताकि आप और हम उद्धार पा सके। कितने लोग सुन रहे हैं? Yes. सुना कि नहीं? कि वह मतलब यीशु मसीह, अन्य जाति मतलब आप और हम जो जानते नहीं थे, का प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग, और तेरे निज लोग, निज मतलब अपना लोग, इज़राइल की महिमा हो, इज़राइल की महिमा हो। वाह 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 वाह। तो अन्य जाति का उद्धार पुराने नियम में छुपा हुआ था, यीशु मसीह आने के द्वारा उसके ऊपर पर्दा खुल गया, ताकि आप और हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के नाम जैसा लेगा आपकी पाप की क्षमा हो जाता है, पाप से आप आजाद हो जाता है, अन्य जाति उद्धार पाने लग जाता है। लेकिन वहां पर रुकना नहीं है, वो मकसद नहीं है। अगर सोचो आपको वीटी जाना है, आप दादर में पहुंच गया, दादर में साइन लगा है, वीटी का साइन लगा हुआ है, आप नीचे खड़ा है और वीटी का साइन दिया है कि वीटी जाओ भाई वीटी, दादर में पहुंचकर आप वीटी का साइन दिया है तो वीटी पहुंच गया। कई लोग बोलते हैं वीटी के साइन के नीचे खड़ा तो मैं वीटी पहुंच गया, नहीं, यू हैव टू गो टू वीटी। अब वीटी में जाना है आपको उद्धार पाना, अमीन। आपने जब पहला कदम लिया है, अभी आपको आगे बढ़ना है। आगे क्या है, प्रभु की मकसद क्या था, यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? केवल आपको एक यू नो, पहले आप गिला पापी था, अब सूखा पापी हो गया, वैसे नहीं, उसका नहीं, वो नहीं मकसद। बड़ा मकसद है प्रभु का एक। कितने लोग सुन रहे मेरे बात? आज पकड़ लो आपके जीवन का मकसद क्या है भाई। जो 1:10 जल्दी से हम जाएंगे। वह जगत में था, वो जगत में था, यीशु के बारे में बोला, वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, जगत उसे पहचाना नहीं। वो अपने घर आया, वो अपने घर आया, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया। वो यानी वो यहूदी के बीच में आया, यहूदी लोग अपना था, लेकिन यहूदी लोग उन्हें ग्रहण नहीं किया। अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आगे बढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार जो शब्द है एक्सोसिया, यानी पावर, सामर्थ, अधिकार, हक, राज्य तो दिया हमें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। आगे, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कितने लोग यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं? तो आपका उद्धार हो गया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें वो क्या दिया?
अधिकार दिया, एक्सोसिया, ग्रीक टर्मिनोलॉजी, एक्सोसिया दिया, समर दिया, हक दिया, राज्य तो दिया। अमेर उसका संतान है आप। अपने सिर के ऊपर हाथ रखे बोलो, मैं उसका संतान है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है। चिल्ला के बोलो, मैं शैतान के संतान नहीं है, मैं संसार का संतान नहीं है, मैं परमेश्वर का संतान है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु को। उन्हें उसने क्या दिया? अधिकार दिया। क्या करने का? उसका संतान होने का। क्या दिया? अधिकार दिया। किसी का, मैं देख रहा हूं किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर गया, दर्द नीचे गिर गया। चेक करो, ये बुत हल्का फुल्का नहीं, गहरा दर्द इस वक्त नीचे गिर गया, शरीर का दर्द नीचे गिर गया। चेक करो शरीर को, चेक करो, गौर से चेक करो शरीर को, चेक करो जल्दी। हालेलुया। प्रेज जी, ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये कह रहे कि इनको पथरी है, और जैसे इनको रिपोर्ट में बताया गया कि इनके ऊपर के साइड में 6.8 mm का पथरी और नीचे के साइड में 4.5 का पथरी है और लेफ्ट साइड में 3.8 mm का पथरी है। और जैसे यहाँ पर रिपोर्ट लेकर आए थे और जैसे आपने भविष्यवाणी की, किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर रहा है, और ये भाई कह रहे कि कई दिन से ऊपर हो गया, इनके पेट में यहाँ पर बहुत जलन होता था, दर्द होता रहता था, लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की, जैसे आपने आपकी वाणी आई, वो कह रही कि वो कई दिन का दर्द इसी वक्त उनके शरीर से निकल गया है। आमेन। अब इनके शरीर में, पेट में कोई भी दर्द नहीं है, वो दबा कर देख रहे फिर भी दर्द नहीं है। इसके लिए भाई इसी आपको धन्यवाद कर दे। ब्रदर जी, थोड़ा दबाइए, अपने पेट को दबाइए। आपको कुछ दर्द हो रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आमेन। ये भाई पहली बार यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं और इनके पेट में पथरी है, किडनी में पथरी है, स्टोन है, और वो दर्द को लेकर यहाँ पर खड़े थे। जैसे आपने भविष्यवाणी की, आमेन, कई दिन का दर्द यीशु ने एक क्षण में निकाल दिया है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद करते हैं। वाह, कई लोग सोचते हैं किसी को भी हम खड़ा करते हैं, पुगड़िया खड़ा करते हैं। हेलो, इसको भी हमने बनाया है क्या? ये भी हमने पुगड़िया बना के लेके आया? कोई सोचेगा अपना मेरा नाम डाल के लेके आया? ये किसका है भाई? हाथ उठाओ, आंख बंद करो। मारो पेट को, मार के देखो, पेट को मार के देखो, दोर से। नहीं है था। कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। मारा, दबा। नहीं, कुछ नहीं। वाह, हालेलुया। भाई चारों गिर गया नीचे। हालेलुया। पहली बार आ रहा है? ये पहली बार। किसने निकाला? आपने? हमने निकाला। हमारा एक डैडी है, वो डैडी का नाम है यीशु। आमेन। ठीक है, उसने निकाला, उसका नाम है यीशु, वो मेरे डैडी है भाई। आमेन। मेरे भाई, आप जो मेरे सामने खड़ा है ना, आपसे ज्यादा हकीकत है मेरे डैडी मेरे लिए। वो आपको आजाद किया, वो आपसे प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे इससे, लेकिन देखो डैडी एक पल में आपको छुटकारा दे दिया। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके धर्म जाति को बदलता नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। आप अगर ऑपरेशन कराते तो भी ये वापस आते, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ऑपरेशन कराते तो भी फिर भी वापस आ जाते पर। हमें, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा, आजाद हो गया, प्रभु ने आपको आजाद कर दिया।
और बाइबल बोलता है जिसे पुत्र आजाद करता है वो हमेशा के लिए आजाद हो गया। आमेन। आप आजाद हो गए इस वक्त। हालेलुया। हालेलुयास। प्रभु जी उनको अचंभा हो रहा है कि कई दिन का दर्द एक फटके में कैसे चला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, उनके चेहरे से दिख रहे कि अचंभा कर रहे कि कैसे हो सकता है, ये सिर्फ आपके परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा किया, इसलिए ये अद्भुत है। आमेन। हालेलुया। यीशु के लिए